के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय प्रवास पर कल जगदलपुर दौरे पर रहेंगे। भूपेश बघेल बस्तर प्रवास के दौरान सर्वप्रथम बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। बस्तर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक लखेश्वर बघेल की अध्यक्षता में लगभग एक घंटे तक होने वाली इस बैठक में बस्तर के विकास के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मूलभूत सुविधा, स्थानीय लोगों को रोजगार और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में बस्तर संभाग के सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ प्रदेश के चार मंत्री, बस्तर संभाग के सातों जिलों के कलेक्टर, एसपी, प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सातों जिलों के एसपी और कलेक्टर की समीक्षा बैठक भी लेंगे। वहीं बाद में शाम 5 बजे शहर के बालाजी चौक में बने बस्तर टाइगर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और फिर देर शाम सर्किट हाउस में नक्सल प्रभावित लोगों और ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद किसी स्थानीय आदिवासी विधायक को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाए, जिसकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आगे विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद वन अधिकार को लेकर शिविर आयोजित हो रहा है, उसमें पूरी जानकारी लेकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो चीजें आएगी सब चीज का परीक्षण कराकर जो चीज का हक बनता है वन भूमि पट्टा का उसको दिया जाएगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश दुबे फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतीश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे, दो दिवसीय दौरा है उनका, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में? सतीश जी, सतीश तो लगता है तकनीकी खामियों के चलते सतीश से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो सीएम भूपेश बघेल दो दिवसीय दौरे पर जगदलपुर रहेंगे, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। आदिवासी बाहुल्य बस्तर में ये बैठक होने जा रही है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। शहीद महेंद्र कर्मा की मूर्ति का भी इस दौरान सीएम बघेल अनावरण करेंगे।